यूसीसी पर चल रही घमासान में हाल ही में कई नेताओं के बयान सामने आए हैं और फिलहाल राजनीति के मंच पर यूसीसी का मुद्दा खूब उछाल मार रहा है। इसी बीच उत्तराखंड में यूसीसी का मसौदा तैयार किए जाने को लेकर यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही राज्य में इसे लागू किया जाएगा। उनके इस बयान पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है और अब वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है। मैं सबसे पहले तो श्री पुष्कर सिंह धामी जी को इस बात का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सामान्य नागरिक संहिता को लेकर के उत्तराखंड में सबसे पहले पहल की और वह बहुत तेजी से उसे अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो तीन हमारे वैचारिक मुद्दे थे, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाना और सामान्य नागरिक कानून, एक देश में एक कानून बनाना। और उस दिशा में जो पहल शुरू हुई है, मैं पहले तो इसका स्वागत करता हूँ और इस देश की ज़रूरत है कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग, यह व्यवस्थाएं समाप्त होनी चाहिए। उधर भाजपा नेता यासिर जिलानी ने भी यूसीसी समेत कई मुद्दों पर अपना बयान जारी किया। अपने बयान में जिलानी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की दौड़ से बाहर तक बता डाला। उन्होंने कहा कि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उन्हें एक बार इसे पढ़ लेना चाहिए। सुनिए क्या कहा भाजपा नेता यासिर जिलानी ने। गृह मंत्री की बातों का मैं स्वागत करता हूँ क्योंकि ये सच्चाई है कि जब जब कांग्रेस की सरकार बनी है, स्कैम और भ्रष्टाचार में पूरा भारत डूबा है। ये हमने यूपीए सरकार में देखा है। 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, जीजाजी घोटाला, अपने आप में जमीनों का घोटाला, अपने आप में ख्याति प्राप्त किया है। आप जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे भी देख लीजिए। और फिर राहुल गांधी तो बहुत ही इमेच्योर काइंड के बंदे हैं, उनको इतनी समझ नहीं है। मुझे लगता है यूसीसी को लोगों को पढ़ना चाहिए। अगेंस्ट आइडिया ऑफ इंडिया कैसे हो सकता है? संगमा साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, भारत में क्या भारत का कानून एक नहीं होना चाहिए? क्या भारत के लोगों को एक तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? अगर एक तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं तो अब तो उन्हें उनमें कोई डिफ्रेंशिएट हो तब वो बात रख सकते हैं। या फिर उस संविधान सभा में भी जो बातें हुई हैं या जो लगातार होती रही हैं भारत में, उनको इस बात को समझना चाहिए कि ये इस तरह का बयान देके वो लोगों को कहीं भ्रमित कर रहे हैं। बहरहाल पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर बयानों का बात पलटवार लगातार बरकरार है और 2024 के चुनावों से पहले यूसीसी के मुद्दे पर सियासी जंग छिड़ चुकी है। जहां सरकार इसे कानून का अमली जामा पहनाना चाहती है तो वहीं विपक्ष इस पर सरकार का विरोध करने को तैयार बैठा है। फिलहाल यूसीसी मामले पर आगे और क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बाकी खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।